बारिश शुरू हो चुकी है दोस्तों। अब अगर आप ऐसे जगह रहते हो जहां अभी तक बारिश का मौसम शुरू नहीं हुआ है, तो भैया अब बारिश के मौसम आने ही वाला है। 10 दिन में आ जाए, 15 दिन में आ जाए, 20 दिन में आ जाए कि, लेकिन भाई बारिश शुरू होने वाली है। अब मैं जहाँ रहती हूँ वहां पे प्री मानसून शुरू हो चुका है, तो परेशानी ये होती है कि पता ही नहीं चलता कब सूरज ज्यादा गायब हो जाते हैं और कब इंद्र भगवान प्रकट हो जाते हैं और बारिश शुरू हो जाती है। और सोच ही नहीं सकते कि आप पार्लर में जाओ चाहे कुछ करो, है ना। अगर आप भी इस सिचुएशन में फंस जाते हो कि भैया बारिश इतनी ज्यादा हो रही है और आप पार्लर जाने की इतनी बारिश में इच्छा आपको नहीं हो रही है, लेकिन आपको आपकी स्किन बहुत ज्यादा डल लग रही है और आप सोच रहे हो कि यार काश मैं ब्लीच और फेशियल करा लेती तो मेरी स्किन जो है बहुत ज्यादा ग्लोइंग और ब्राइट दिखने लगती, है ना। देखिए, पार्लर में जाकर के आप ब्लीच फेशियल करा सकते हो, मैं थोड़ी आपको रोक सकती हूँ, और अब मैं रोकूंगी तो आप तो रोकोगे नहीं। लेकिन पार्लर वाला ब्लीच और फेशियल अगर वही ग्लो, वही निखार, वही चमक, वही शाइन अगर आपको घर बैठे मिले तो क्या बात है। अब पार्लर में अगर आप ब्लीच कराते हो तो अगर आपको फेशियल हेयर की परेशानी है तो वो गोल्डन हो जाते हैं, वो आपके स्किन के कलर में के मिल जाते हैं, जिससे आपकी रंगत जो है वो थोड़ी सी फेयर हो जाती है ना, यही होता है ना। लेकिन ये जो आज मैं आप सबके साथ नेचुरल ब्लीच फेशियल पैक लेकर के आई हूँ, इसको अगर आप इस्तेमाल करते हो तो आपकी स्किन धीरे धीरे, आपको लगेगा जब फर्स्ट वॉश करते हो तो फर्स्ट वॉश में ही कमाल का रिजल्ट आपकी स्किन के ऊपर दिखने वाला है। और इस पैक को अगर आप रेगुलर इस्तेमाल करते हो तो आपको कुछ ही दिनों में आपको आपकी स्किन टोन में फर्क दिखेगा। आपको लगेगा कि आपकी स्किन टोन है ना, 2 से 3 टोन जो है वो ज्यादा जो है वो बेटर हो रही है, आपकी स्किन टोन और इम्प्रूव कर रही है, आपकी स्किन का टेक्सचर अच्छा हो रहा है। चाहिए तो इंस्टेंट, अगर चाहिए तो पार्लर चले जाए, और चाहिए कि भैया लॉन्ग रिजल्ट आपकी स्किन के ऊपर रहे लंबे टाइम तक, तो भैया ये आपके लिए बहुत सही रहने वाला है। इसमें बहुत सारे हार्म होने वाले हैं, आपकी स्किन डैमेज हो जाएगी, बट अभी जो बता रही हूँ इसमें कुछ भी नहीं होने वाला है। तो चलिए देर नहीं करते, सुबह से भी ऊपर वाले इस नेचुरल ब्लीच फेशियल पैक को बनाना शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप कि अच्छे होंगे, और दिल से स्वागत है आप सबका आपके खुद के यूट्यूब चैनल नेचुरल ब्यूटी विद छवि में, और मैं हूँ आपकी प्यारी दुलारी न्यारी सी छवि। अगर फर्स्ट टाइम मुझसे जुड़े हैं, फर्स्ट टाइम मेरे यूट्यूब वीडियो को देख रहे हैं, रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन है उसे सब्सक्राइब कर दे, बाजू में एक बेल आइकॉन है उसे भी क्लिक कर दे, उससे ये होगा कि जब कभी भी मैं कोई भी अपना वीडियो अपलोड करूंगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और आप मेरे वीडियो को सबसे पहले देख पाएंगे। जब भी बेल आइकॉन को क्लिक करें तो ऑल के ऊपर क्लिक करें, ऑल के ऊपर क्लिक करने के फायदे ये है कि मेरे सारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलेंगे। अगर अभी तक आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लें, इंस्टाग्राम आईडी है नेचुरल ब्यूटी विद छवि। और अगर अभी तक आपने मुझे मेरे नए चैनल पे सबको सब्सक्राइब नहीं किया तो नए चैनल को सब्सक्राइब कर दें, नए चैनल का नाम है सोर्स बुक ग्लैमर। चलिए दोस्तों, इन सब बातों को छोड़ते हैं मेन टॉपिक के ऊपर आ जाते हैं। खाने के लिए दोस्तों जो आपको फर्स्ट इंग्रेडिएंट लेना है वो लेना है इमली। पानी आ गया ना मुंह में, तो जितना आपके मुंह में पानी आ रहा है उससे दुगना काम जो है ये आपकी स्किन के ऊपर करता है, ये आपकी स्किन को नेचुरली ब्लीच कर देता है। अगर आपके चेहरे के ऊपर पिगमेंटेशन वगैरह है ना, उनको लाइट कर देता है, डार्क स्पॉट को लाइट करता है। अगर आपको अनइवन स्किन टोन की परेशानी है उसकी परेशानी को दूर करता है, आपकी स्किन को इवन टोन करता है, आपकी स्किन के इलास्टिसिटी को बढ़ा देता है, 100% फ्लॉलेस ग्लोइंग और ब्राइट स्किन। तो इमली आपको क्या करना है, मैं तो क्या था, पानी पूरी बनाने वाली थी, तो जब पानी पूरी बनाने वाली थी तो उसके लिए जो है ना मैं इमली को भिगो के रखी थी। अब इमली को भिगो के रखी थी तो मैं सोची कि क्यों ना इसका फेस पैक भी बना लिया जाए। तो आपको भी मैं ये बोल रही हूँ कि देखिए, एक पंथ दो काज हो गए ना मेरे, आप क्या करें रात में इमली थोड़ा सा भिगो के, एक जो इमली होता है ना एक छोटा सा टुकड़ा ले ले, अच्छे से पहले उसे धो ले और रात भर जो है उसे भिगो के छोड़ दे इमली को पानी के अंदर। नेक्स्ट डे आपको क्या करना है, हाथ से उसे मैश कर देना है, अच्छे से स्ट्रेनर के हेल्प से इसे स्ट्रेट कर लेना है ताकि एकदम साफ सुथरा जो है वो पानी आपके पास उपलब्ध हो। अब क्या करना है दोस्तों, एक साफ सुथरा बाउल लेना है, उसके अंदर तकरीबन 4 स्पून के करीब में, ये जो पैक मैं बता रही हूँ उसको चेहरे और नेक दोनों के ऊपर लगाइएगा, नहीं तो गले की रंगत और चेहरे की रंगत में फर्स्ट वॉश में ही आपको फर्क दिखेगा, क्योंकि ये एक ऐसा पैक है जो फर्स्ट वॉश में ही आपको आपकी स्किन में एकदम से फर्क दिखलाता है।
ऐसा सुपर से भी ऊपर वाला फेस पैक है ये, ठीक है। तो तकरीबन 4 स्पून के करीब में है ना, 4 to 5 स्पून जो है आप ले लीजिएगा इमली का पानी, ठीक है। अब जो दोस्तों इसके अंदर आपको सेकेंड इंग्रेडिएंट ऐड करना है, वो ऐड करना है आपको कॉफी पाउडर। कॉफी पाउडर छबी, कॉफी पाउडर आप ऐसा बात करते हो, मैं मुझे तो कॉफी सूट ही नहीं करता है। तो भाई अगर आपको कॉफी सूट नहीं करता है तो उसके लिए मैं आपको बताने वाली हूँ कि आपको अगर कॉफी सूट नहीं करता है तो आप उसके जगह पे क्या लें। बट अगर आपको कॉफी सूट करता है तो मैं आपको कहूंगी कॉफी जरूर ले, क्योंकि कॉफी के अंदर होता है कैफीन जो आपकी स्किन को व्हाइट एंड ब्राइट एंड लाइट एंड और टाइट एंड करता है, जो आपकी स्किन को बहुत ज्यादा फ्लॉलेस ग्लोइंग और ब्राइट बनाता है। तो कॉफी मैं तकरीबन 2 स्पून के करीब में कॉफी ले रही हूँ और उसी बाउल के अंदर डाल दे रही हूँ। बट अगर आपको कॉफी सूट नहीं करता है या फिर अगर आपके पास कॉफी उपलब्ध नहीं है तो आप इसके जगह पे ले सकते हो काउलिन क्ले। जो काउलिन क्ले होता है ना, वो आप इस्तेमाल कर सकते हो, वो भी सुपर से भी ऊपर वाला जो है वो रिजल्ट देगा, ठीक है। तो काउलिन क्ले आप ले लीजिए, 2 स्पून के करीब में काउलिन क्ले ले लीजिए। अब जो दोस्तों इसके अंदर आपको थर्ड इंग्रेडिएंट ऐड करना है, वो ऐड करना है आपको बेसन। तो बेसन आपकी खूबसूरती में 4 चांद लगाता है। और मैं आपको क्या बताऊँ, मॉनसून सीजन में बेसन जो है ना बहुत सुपर से भी ऊपर वाला इंग्रेडिएंट है, आपकी स्किन को फ्लॉलेस ग्लोइंग और ब्राइट बनाता है और साथ ही साथ आपके चेहरे के ऊपर दाने तो आने ही नहीं देता है। अगर आप बेसन का इस्तेमाल करते हो मॉनसून सीजन में तो आपके चेहरे के ऊपर दाने आने वाले ही नहीं है, ठीक है। सारे स्किन टाइप्स को जाने वाला है ये जो पैक मैं बता रही हूँ, सारे स्किन टाइप्स को जाएगा, चाहे आपकी स्किन ऑयली हो, कॉम्बिनेशन हो, ड्राई हो, सेंसिटिव हो, सारे स्किन टाइप्स को जाने वाला है। लेकिन जिनके चेहरे के ऊपर इतने बड़े बड़े पिंपल्स हैं या फिर पिंपल्स हैं लेकिन वो फूट गए हुए हैं, एक्ने हैं बट वो फूट गए हुए हैं, तो अगर इस पैक को अगर आप लगाओगे तो आपके चेहरे में जलन पैदा होगा, आपका चेहरा जलेगा। तो सिंपल अगर आप वैक्स कराए हो, आधे घंटे पहले आप पार्लर से आए हो, वैक्स करा के आए हो, या फिर आप थ्रेडिंग करा करके आए हो, या फिर कुछ ऐसा आप करा करके आए हो, रेजर का इस्तेमाल किए हो चेहरे के ऊपर, तो आप गलती से भी इस पैक का सेम डे इस्तेमाल आपको नहीं करना है, आपको इस पैक का इस्तेमाल एक दिन के बाद करना है, ठीक है। सेम डे करोगे तो फिर वो रिएक्ट करेगा, समझ में आया ना। बेसन आपको कितना ले लेना है, 1 से 2 चम्मच के करीब में बेसन भी, आप चाहे तो कॉफी के बराबर भी ले सकते हो या फिर कॉफी के हाफ ले सकते हो। तो मैं ना 1 चम्मच और थोड़ा सा जो है और बेसन ले ली हूँ 1.5 चम्मच के करीब में। सबको करना है आपको अच्छे से मिक्स करना है, आपको अच्छे से मिक्स, और मिक्स करने के बाद अपने साफ सुथरे फेस और नेक के ऊपर आपको लगाना है, बहुत अच्छे से आपको लगाना है। अंडर आई नहीं लगाना है, अंडर आई इसलिए नहीं लगाना है कि वहाँ की स्किन जो होती है ना बहुत सेंसिटिव होती है, कब आपके स्किन को मतलब कब वो रिएक्ट कर जाए वो पता नहीं होता है, तो इसलिए अंडर आई ना लगाएं, पूरे फेस और नेक के ऊपर आप अच्छे से लगा लें। और अच्छे से लगाने के बाद इसे अपने चेहरे के ऊपर रखना है 20 मिनट के लिए। अच्छा एक चीज मैं आपको बताऊंगी, इमली कॉफी बेसन ऐसे मैं बताई हूँ वैसे ही अगर आप बनाते हो, और लेयर पहले एक लेयर अपने चेहरे के ऊपर लगा लीजिए, उसके बाद दूसरा लेयर अपने चेहरे के ऊपर लगाइए, उसके बाद तीसरा लेयर लगाइए, मतलब 3 लेयर लगाइए ना। इसका जो पैक होता है ना ज्यादा थिक होना चाहिए ना पतला होना चाहिए, एकदम बराबर। और जब ये सूखता है आपके स्किन को इतना ज्यादा टाइट करता है, सीरियसली जब मैं अपने नेक के ऊपर लगाई तो मैं अपने नेक को लेफ्ट एंड राइट नहीं कर पा रही थी, इतना ज्यादा आपके फेस को टाइट करता है। तो आप सोचिए कि अगर आपकी स्किन लूज हो गई है तो आपकी स्किन को ये कितना ज्यादा टाइट करेगा, ये आपके चेहरे से फाइन लाइन रिंकल्स को कितने अच्छे से हटाएगा। बट ये चीज आपको ध्यान रखना है, 20 मिनट्स मौन धारण करना है। जब आप चाहते हो कि आपके चेहरे के ऊपर एकदम से अच्छा वाला रिजल्ट आए तो भैया पति को भी खुश होने दे, बच्चों को भी खुश होने दे, सबको खुश होने दे, 20 मिनट्स साइलेंट मोड पे आ जाए। मैं तो टीवी लगा करके बैठ जाती हूँ देखने के लिए कि भैया खुश रहो, मैं भी इधर खुश हूँ टीवी देख रही हूँ, ओके। 20 मिनट जब आप चुपचाप से बैठोगे ना तो आपको खुद फील होगा कि आपको स्किन क्या लग रही है भाई साहब। उसके बाद आपको क्या करना है, 20 मिनट्स के बाद फेस को आपको वॉश कर लेना है। जहाँ आप फेस को वॉश करके आते हो ना, कमाल की आपकी स्किन लगती है, कमाल की लगती है, गजब लगती है आपकी स्किन, गजब, ठीक है। जब वॉश करके आते हो उसके बाद सावधानी बरतनी है दोस्तों, जब वॉश करके आते हो उसके बाद तक कम से कम 1 घंटे तक चेहरे के ऊपर
कोई भी न क्रीम लगाना है, न कोई सीरम लगाना है, कुछ भी नहीं लगाना है एक घंटे तक, क्योंकि इमली लगाए हो ना, इमली का इफेक्ट थोड़ा सा आपकी स्किन के ऊपर रहता है, इसलिए आपको कुछ भी 1 आवर तक नहीं लगाना है। 1 आवर के बाद एकदम बिंदास आप पैलेट फेस टोनर लगाए या रोज वाटर लगाए, सीरम लगाए, मॉइस्चराइजर लगाए, सनस्क्रीन लगाए, सब कुछ करें, लेकिन एटलीस्ट 1 आवर तक आपको अपने चेहरे को वैसे ही छोड़ना है। ठीक है, नहा ले सकते हो, नहा के आ सकते हो, पर सिर्फ चेहरे के ऊपर कुछ ना लगाएं। इसको लगाने का कोई टाइम नहीं है, आप सुबह शाम दोपहर रात कभी भी लगा सकते हो। अब इसको लगाने की उम्र की बात की जाए तो बेटा देखो, अगर आपकी उम्र हो गई है 15 साल, आराम से इस पैक का इस्तेमाल कर सकते हो हफ्ते में एक बार। 15 साल से लेकर के 18 साल की अगर आपकी उम्र है, हफ्ते में एक बार इस्तेमाल करते हो तो बहुत अच्छी बात है। 18 साल से लेकर के आज के डेट में आपकी उम्र चाहे जितनी भी हो, हफ्ते में 3 बार इस्तेमाल करते हो सफिशियंट है। मैं तो कहती हूँ 3 बार भी इस्तेमाल मत करो, 2 बार इस्तेमाल करते हो तो सफिशियंट है, उससे ज़्यादा इस्तेमाल करने की आवश्यकता ही नहीं है। मुझे लगता है मैं सब कुछ बता चुकी हूँ, फिर भी अगर आपको लगता है कुछ बताना रह गया हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, जब मैं फ्री रहूँगी आपके कमेंट के रिप्लाई करूँगी। तब तक के लिए बाय बाय।